Hello students, welcome. Today we are going to study a new story, The Friendly Mongoose, from CBSE textbook A Pact with the Sun for class 6th. The Friendly Mongoose. Friendly means होता है मैत्रीपूर्ण और mongoose means नेवला. तो यह जो है एक मैत्रीपूर्ण सहायता करने वाले एक स्नेहशील नेवले की कहानी है. सबसे पहले हम इस स्टोरी की शॉर्ट समरी पढ़ लेते हैं. ठीक. अ फार्मर हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज. एक फार्मर, उसकी पत्नी और उसका छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे. देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूज इन द हाउस. और जो है घर में जो है एक बेबी मंगूज भी था, एक बच्चा नेवला भी था. Who they believed would be their son's companion and friend in future. जिसको वो विश्वास करते थे कि भविष्य में उनके बेटे का साथी और दोस्त बनेगा. One day the farmer and his wife went out. एक दिन जो है farmer और उसकी पत्नी बाहर चले जाते हैं. Leaving the child alone with the mongoose. और बच्चे को जो है mongoose के साथ में अकेला छोड़कर. नाउ द स्टोरी. वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन. वंस, एक बार, एक फार्मर एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी लिव्ड इन अ विलेज, एक गांव में रहते थे, विद देयर स्मॉल सन, अपने छोटे पुत्र के साथ में. ठीक. दे लव्ड हिम वेरी मच. वो उसको बहुत प्यार करते थे. वी मस्ट हैव अ पेट. पेट मीन्स होता है पालतू जानवर. ठीक. तो द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. एक दिन जो है फार्मर ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें एक पालतू जानवर अवश्य रखना चाहिए. वी मस्ट हैव अ पेट. हमारे पास एक जो है पालतू जानवर जरूर होना चाहिए. वेन आर सन ग्रोज अप. जब हमारा बेटा बड़ा होगा, He will need a companion. तो उसको जो है एक companion की जरूरत पड़ेगी, एक मित्र की जरूरत पड़ेगी, एक साथी की जरूरत पड़ेगी. This pet will be our son's companion. और जो ये pet होगा, वो हमारे पुत्र का क्या होगा? साथी होगा फिर. His wife liked the idea. उसकी पत्नी को जो है ये idea, ये विचार पसंद आया. One evening, एक शाम को, the farmer brought with him a tiny mongoose. वो farmer जो है brought means लाया, bring का second form है. With him, अपने साथ में a tiny, tiny means होता है very small, एक छोटा सा mongoose, नेवला. ठीक. एक शाम को जो है वो किसान अपने साथ में एक छोटा सा mongoose लेके आया. It is a baby mongoose. ये एक जो है बच्चा नेवला था. Said his wife, उसकी पत्नी ने कहा, but will soon be fully grown. लेकिन ये जल्दी जो है पूर्ण तरीके से grown हो जाएगा, विकसित हो जाएगा. Fully grown means fully developed. ठीक. He will be a friend to our son. और वो हमारे पुत्र का क्या होगा? दोस्त होगा. Both the baby and the mongoose grew. Both means दोनों. Baby, farmer का पुत्र, एंड द मंगूज, और जो नेवला था, ग्रू मीन्स विकसित हुए, बड़े. ठीक. दोनों बड़े होने लगे. इन 5 or 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. और इन 5 or 6 months, 5 or 6 महीने में, द मंगूज जो नेवला था हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. फुल साइज मैंने पूर्ण आकार. हैड ग्रोन मीन्स विकसित हुआ. ठीक. और वो 5-6 महीने में जो है वो मंगूज जो है अपने पूरे आकार में विकसित हो गया. अ लवली एनिमल विद टू शाइनिंग ब्लैक आईज एंड अ बुशी टेल. एक सुंदर जानवर, विद टू शाइनिंग ब्लैक आईज, अपनी दो चमकीली काली आंखों के साथ में, एंड अ बुशी टेल, और एक घनी पूंछ के साथ में. यानी कि जो है वो एक सुंदर जानवर बन गया, जिसकी दो काली चमकीली आंखें थी, उसकी घनी पूंछ थी. द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल.
और जो फार्मर का सन था, पुत्र था, वॉज स्टिल अ बेबी, वो अभी भी बच्चा था, इन द क्रेडल, क्रेडल मीन्स होता है पालना, वो अभी भी पालने में ही था, स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, वो सोता था और रोता था, अल्टरनेटली मीन्स बारी बारी से अदल बदल कर, मीन्स कभी रोता था फिर सो जाता था, फिर रोता था फिर सो जाता था, इस तरीके से। वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट, एक दिन जो है फार्मर की जो पत्नी थी वो मार्केट जाना चाहती थी। सी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, उसने बच्चे को भोजन कराया और एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, और उसको रॉक्ड मीन्स होता है झूला झुलाया उसको उसके क्रेडल में, टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल, ताकि वो जो अपने छोटे जो पालना था उसका उसमें वो सो जाए, तो इसलिए उसने क्या किया उसको झूला झुलाया, उसको फेड किया, तो फेड मिल्क दिया होगा, दूध पिलाया होगा और सुला दिया। पिकिंग ऑफ द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड, पिकिंग ऑफ द बास्केट मीन्स बास्केट को उठाते हुए, सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूं, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा जो है सो रहा है, कीप एन आई ऑन हिम, उस पे एक नजर रखना, फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, फ्रेंकली मीन्स स्पष्ट रूप से या सत्य में कहूं, I don't like to leave the child alone with the mongoose. मैं नहीं चाहती हूं to leave मने छोड़ना the child बच्चे को alone with the mongoose अकेले नेवले के साथ में। तो उसने अपने पति से क्या कहा कि मैं बाजार जा रही हूं, baby क्या कर रहा है, सो रहा है, उस पे नजर रखना, और अगर मैं सही में कहूं तो मैं mongoose के साथ में बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूं। You needn't to be You needn't be afraid. Needn't means need not. Be afraid. तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है. Afraid means होता है डरना. Said the farmer. Farmer ने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है. The mongoose is a friendly animal. Mongoose जो है क्या है? एक friendly animal है. एक मैत्रीपूर्ण जानवर है. मित्रवत जिसका व्यवहार है. ऐसा जानवर है. It's As sweet as our baby and they are the best of friends, you know. और उसने कहा कि it's as sweet as our baby. वो उतना ही मधुर है, उतना ही सुंदर है जितना हमारा बच्चा है. And they are the best of friends. और कह अब वो जो है अच्छे दोस्त बन गए हैं. You know, कह तुम जानती हो. The wife went away. पत्नी चली गई. And the farmer having nothing to do in the house decided to go out and take a look at his fields not far away. और पत्नी चली गई मार्केट, and the farmer having nothing to do in the house, और किसान के पास जो है घर में करने के लिए कुछ नहीं था, decided उसने निश्चय किया to go out बाहर जाने का, and take a look, ठीक, और एक नजर डालने के लिए at his fields अपने खेतों पर, Not far away, जो कि बहुत दूर नहीं था, तो उसने ये निश्चय किया कि वो थोड़ा जरा एक नजर अपने खेतों पे डालेगा जो कि बहुत दूर नहीं थे। He ran into some friends on the way back and didn't return for quite some time. He ran into means met some friends, कुछ दोस्तों से, on the way back, वो जब घर वापस आ रहा था तो उसके कुछ friends उसको रास्ते में मिले, And didn't return for quite some time, और कुछ समय के लिए वापस नहीं आ सका, आया, ठीक है, क्योंकि उसके दोस्त जब वो घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसके कुछ दोस्त मिल गए, तो इसलिए वो जो है कुछ देर में घर आया या कुछ समय तक घर नहीं वापस लौट पाया, यानी कि उसको थोड़ा देर हो गई, ठीक। तो ये अगला पार्ट है, तो अगले पार्ट की समरी है। The farmer's wife returned home from the market carrying a heavy basket. किसान की पत्नी जो है वापस आती है घर, from the market बाजार से, carrying a heavy basket, एक भारी टोकरी लेकर। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws.
और वो मंगूस को जो है घर के एंट्रेंस, एंट्रेंस मीन्स होता है प्रवेश द्वार, प्रवेश पे पाती है विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पॉज। उसके फेस पे, चेहरे पर और पंजों पर क्या था, खून लगा हुआ था। सी जंप्ड टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी वन। सी जंप्ड टू द कंक्लूजन, और वो जो है एकदम निर्णय पर पहुंच जाती है। कंक्लूजन मीन्स होता है निर्णय, दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड, कि ये जो है उसके पुत्र का खून है। एंड द मंगूज वॉज द गिल्टी, गिल्टी माने अपराधी वन, और जो मंगूज है वो अपराधी है, यानी कि इसने कुछ गड़बड़ कर दिया है। उसको ऐसा लगा कि जो खून इसके चेहरे पे लगा हुआ है मंगूज के, या पाज पे लगा हुआ है, ये उसके सन का ब्लड है। ठीक, देखते हैं आगे क्या होता है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट ऑफ ग्रोसरीज। फार्मर की पत्नी जो है अपनी शॉपिंग को फिनिश करती है, पूरा करती है, एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और जो है वो जो है एक जो टोकरी थी उसकी, उसको भर करके जो है ग्रोसरीज लाती है। ग्रोसरीज मीन्स होता है घर का सामान, जैसे राशन, दाल, चावल, आटा, ये जो है मसाले, किराना का जो सामान होता है उसको ग्रोसरीज कहते हैं। तो उसको लेकर आती है। शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड ऑफ एज इफ वेटिंग फॉर हर। सी शॉ, वो देखती है मंगूज को सिटिंग आउटसाइड, बाहर पे बैठे हुए, एज इफ वेटिंग फॉर हर। एज इफ मीन्स होता है मानो, वेटिंग फॉर हर, जैसा कि उसका क्या कर रहा हो, इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, और उसको देखकर जो है, फार्मर की वाइफ को देखकर जो है, ही रैन टू वेलकम हर, वो उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा वो मंगूज। एज वॉज कस्टमरी, कस्टमरी मीन्स होता है जैसी परंपरा थी, मतलब जैसी उसकी हैबिट थी, ठीक उसी तरीके से वो रोज ही करता था। जैसे किसान की वाइफ जो है कहीं काम से वापस आती थी तो वो उसके वेलकम के लिए दौड़ता था, तो आज भी उसने वैसे किया। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड। द फार्मर्स वाइफ, जो फार्मर की पत्नी थी, टुक वन लुक एट द मंगूस, उसने एक नजर नेवले पर देखा, एंड स्क्रीम्ड, और चिल्लाई, ब्लड, खून, सी क्राइड, वो चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मीयर्ड विद ब्लड, जो मंगूज का चेहरा था, पंजे थे, उस पे जो है खून बिखरा हुआ था, उसके जो पॉज थे, फेस था, वो खून से सने हुए थे। यू वीक द एनिमल, यू हैव किल्ड माई बेबी। वीक्ड मीन्स होता है दुष्ट, तुम दुष्ट जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है। सी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, हिस्टेरिकली मीन्स होता है पागलों की तरह, स्क्रीम्ड माने चिल्लाई, वो पागलों की तरह चिल्लाई। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज, रेज मीन्स वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा, और ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, तो वो गुस्से से अंधी हो गई। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत से, ब्रॉट डाउन, नीचे लाए द हैप्पी बास्केट, उस भारी बास्केट को जो कि फुल ऑफ ग्रोसरीज थी, घर के सामान से भरी हुई थी, ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज, वो खून से सने हुए, स्मियर्ड मीन्स सनावा, मंगूज, उस खून से सने हुए मंगूज के ऊपर उसने पूरी ताकत से उस टोकरी को गिरा दिया। एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड क्रेडल, और अंदर को भागी बच्चे के पालने के पास। द बेबी वॉज फास्ट असलीप, बच्चा जो है गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन जो फर्श पे एक पड़ा हुआ था, एक काला स्नेक, सांप, टॉर्न एंड ब्लीडिंग, जो कि टुकड़े टुकड़ों में टूटा हुआ था, और ब्लीडिंग उससे खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश मींस इन अ मोमेंट, एक क्षण में, सी रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ होगा। सी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूस, वो मंगूस को देखने के लिए बाहर दौड़ी। ओ यू सेव्ड माय चाइल्ड, अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू
killed the snake. तुमने सांप को मारा. What have I done? मैंने क्या किया? She cried, touching the mongoose. वो रोई, cried, चिल्लाई. Touching the mongoose, mongoose को छूते हुए. उस नेवले को छूते हुए. Who lay dead and still, जो कि स्थिर और मृत पड़ा हुआ था. Unaware of her sobbing, जो बिल्कुल अनजान था उसकी कि वो रो रही थी, उसकी जो sobbing थी, जो सिसक रही थी, वो जो रो रही थी उससे वो अनजान था क्योंकि वो मर चुका था. The farmer's wife who had acted hastily and rashly, और जो किसान की पत्नी थी जिसने hastily means जल्दीबाजी में, rashly means उतावलेपन में, बिना सोचे समझे काम किया था. Stared long at the dead mongoose, बहुत लंबे समय तक उस मृत नेवले पर एक टक देखती रही. Stared means एक टक देखती रही. Stare means होता है एक टक देखना. Then she heard the baby crying. उसके बाद उसने जो है बच्चे को रोते हुए सुना. Wiping her tears, she went in to feed him. और अपने आंसुओं को पोंछते हुए, wiping means पोंछते हुए, शाप करते हुए, she went in to feed him. वो अंदर चली गई उसको फीड करने के लिए, अपने बच्चे को भोजन देने के लिए या दूध पिलाने के लिए. ये स्टोरी जो है पंचतंत्र से ली गई है. नाउ द स्टोरी इज कंप्लीट एंड आई होप दैट यू लाइक्ड इट. थैंक यू वेरी मच.